नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटका की अहम सुर्खियों पर। नवंबर में कर्नाटका में चिंता का कोई नया संस्करण या ओमिक्रॉन उपवंश नहीं मिला। सीएम इब्राहिम ने कहा कि एचडी कुमार स्वामी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों के एक साथ आने से प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कर्नाटका के खनन क्षेत्र को कलंकित किया गया था और 2011 में सर्वोच्च न्यायालय को भारी अवैधताओं के कारण खनिज समृद्ध बल्लारी जिले में सभी कार्यों को निलंबित करना पड़ा था, मुख्यमंत्री बोमे ने कहा। रिश्वत लेने के आरोप में सरकारी कर्मचारी को 4 साल की सजा। कर्नाटका में कोटा और सामाजिक न्याय की राजनीति की समीक्षा। वन विरोधी कानून ने किसी को परेशान नहीं किया, मंत्री प्रभु चौहान ने कहा। दत्तात्रेय देवता भूमि स्थिति रवि ने की अवैध अनुदान की जांच की मांग। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच श्रीरंगपटना में संकीर्तन यात्रा निकाली गई। कर्नाटका में लड़ाई के दौरान गुस्से में पति ने पत्नी को ट्रक के पहिए के नीचे धकेला। दक्षिण कन्नड़ में 4.7 लाख बच्चों को कवर करने के लिए जेई टीकाकरण अभियान। यहां बताया गया है कि कैसे बेंगलुरु के नए ट्रैफिक कमिश्नर ने सड़कों पर भीड़ कम करने की योजना बनाई। इतिहास को हमें सोचने के लिए उकसाना चाहिए, 4 इतिहासकारों ने बेंगलुरु लिट फेस्ट में बात की। कर्नाटका, महाराष्ट्र और केंद्र में सत्ता में भाजपा के साथ इस साल वार्षिक बेलगावी सीमा पर भड़कने पर लगाम लगाई जा सकती है। बेंगलुरु की झीलें एक बार पुनर्जीवित होने के बाद प्रभातपुरा झील रखरखाव के लिए तरस रही है। सुबह 8:30 बजे के बाद कोई स्कूल बस नहीं, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए आगे आई। भाजपा की जनसंकल्प यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, प्रहलाद जोशी ने कहा। कर्नाटका कृषि विभाग पहला है जो पूरी तरह से कागज रहित हो गया। नए संत की नियुक्ति को लेकर मुर्गामठ में हंगामा। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।